Now, the next one, reaction with metal with acid. सबसे पहले एक्सेप्ट आपका नाम तो कहते सर सर्टेन लेस रिएक्टिव मेटल्स सच है. इसके मतलब नीचे की सीरीज आ रही है आपका नाम तो कहते सर कॉपर HCG AG AU और दिस ये प्लेटिनम हो गया सर. और मजे की बात है कहीं नहीं तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये लिखा ही नहीं होगा. इसलिए फर्स्ट क्लास वाली किताब हो जो आपको दिक्कत ना करे. एक्सेप्ट सर्टेन लेस रिएक्टिव ये बायां हाथ ये ऐसे बनेगा तो ये आपका लेस रिएक्टिव और आपका दायां हाथ ऐसे बनेगा तो ये आपका मोर रिएक्टिव हो गया. मैथमेटिक्स लेस देन ग्रेटर देन आपका हो गया तो ये पता होना चाहिए आपको ना बाहर आपका नाम देखो ETC आपका नाम तो ऑल मेटल्स सॉरी रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स. आपके पास कितने एसिड्स हैं यहां ओनली 3 एसिड्स आपकी क्लास में HCl आपका H2SO4 एंड आपका HNO3. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इन्हीं आपका साइज का. So this is a hydrochloric acid, this is sulfuric acid and this is nitric acid. So dilute sulfuric acid, hydrochloric acid, so inke sath apna theek hai na. So dilute acids ye aapka honge na aapka na dekho this is. So dilute acids ab aap HCl likho and aapka naam H2SO4 likho jo marzi aur iska naam bhi in dono ka naam likho apne. So now ye to produce inke sath apna naam ye kya karega produce karega aapka short क्या करेगा शॉर्ट और विद हाइड्रोजन गैस. इसका मतलब अगेन यू कैन मेक द फॉर्मूला. देखो समझने वाली बात है केमिस्ट्री तो ना दिस तो द मेटल मेटल और प्लस एसिड एसिड भी कैसा होना चाहिए डाइल्यूट होना चाहिए. व्हेन दिस बोथ विल अपन react with it then they will make the short and plus they will release the hydrogen gas. आप लोग फॉर्मूला नहीं बनाते हैं फॉर्मूला नहीं बनाते तो इसलिए that's why आपका ना you suffer always. तो आपका ये आपका फॉर्मूला बन गया. अब मेटल आपका अब मेटल कौन सा लेंगे आप इसमें देखिए आपका ना तो ये this when zinc Zn आपका ना react with your acid aapka naam hai this it will make ZnCl2 chlorine aapka hydrochloric acid hai agar sulfuric acid hai to sulfate bana de yaad rakhiyega sulfate and it will release aapka hydrogen gas. iska matlab ye kya hai solid ye kya hai dilute aapka naam hai lekin aqueous solution hoga ye aapka kya hai this तो ये फिर आपका क्या बनाएंगे और ये आपका ये लगा तो आप जी लिखो ठीक और नहीं लिखो तो ये आपका इसका मतलब आपका एरो लगा दिया एक गैस हो गया व्हेन मैटर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट मेक्स अपर सॉल्ट. व्हाट इज दिस दिस इज अ सॉल्ट. सॉल्ट क्या है जिंक आपका नाम दिस है जिंक क्लोराइड क्लोराइड दिस और हाइड्रोजन गैस इसमें क्या कर दिया ना ये निकाल दिया ठीक हो गया सर. तो अब इसमें जो आप हाइड्रोजन गैस बन रही है आपका ना देखा था सर तो ना एक स्पेशल नोट इसमें भी लिख दीजिएगा ये बहुत जबरदस्त आपका कई चीजें तो ना द रेट ऑफ फॉर्मेशन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है ये आपका ना देखो हाइड्रोजन गैस बबल बुलबुले आपके बनेंगे आपका ना देखो डिक्रीज ये आपका डिक्रीज करने लग जाएगा इन ऑर्डर. जब ऑर्डर क्या हो मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन जिंक इज ग्रेटर इस ऑर्डर में अगर आपका है आपका ना देखो तो इसका मतलब दिस शोज ये आपका क्या दिखाता है आपका नाम दिस शोज द decreasing
केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन मेटल्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर SO4 के साथ बनाएंगे तो ZN आपका क्या बना देगा, SO4 बना देगा और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस उसमें मिलेगा। लेकिन अब आप आइए, ये तो इधर नाइट्रिक एसिड, तो नाउ नाइट्रिक एसिड, व्हाट इज नाइट्रिक एसिड, HNO3, तो नाउ HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, या का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होता। सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, इसमें आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, क्लियर हो गया सब। चलो जो एक्सेप्शनल केस है आपका नाम देखो, दिस इज अब यहां पे अपवाद जो होते हैं आपका नाम देखो, तो मैग्नीशियम आपका नाम देखो, दिस इज एंड ये Mg का मतलब मैग्नीशियम और Mn का मतलब व्हाट इज Mn, व्हाट इज Mn जी, मैग्नीज मैग्नीज। अगर आप ये यहां देखेंगे आपका तो कहीं दिखता है आपका Mn दिखता है आपका, जरा देखिए तो कहीं चेक करिए, ये सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने Mn Cr क्रोमियम, क्रोमियम के बाद Mn है और Mn का मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका 7B का मेंबर है, 7B का मेंबर है मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है सर, और Mn का मतलब आपका क्या हो गया, मैग्नीज रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, जबकि नाइट्रिक एसिड के साथ आपका क्या होता है, आपका देखो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शन केस में क्या है, अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज अगर आपका नाम वेरी डाइल्यूट अगर आपका नाइट्रिक आपका दिस एसिड के साथ अगर आपका रिएक्ट करते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर, फाइन। इसके बाद नाउ देखो दिस सुल्तान रजिया, तो नाम सुना होगा रजिया सुल्तान, लेकिन ये एक्वा रजिया क्या है, दिस इज कॉल्ड द लेटिन में आपका देखो लेटिन फॉर इसको अपना रॉयल वाटर कहा जाता है, अब आप देखो एक्वा रजिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री parts of concentrated आपका नाम देखो दस hydrochloric acid and one part of concentrated nitric acid, ये हो गया और that is जब ये बन गया तो ये जो aqua regia है आपका नाम देखो थे that is एसिडिक, क्योंकि थ्री पार्ट है आपका नाम देखो दे एसिडिक, वो भी कंसंट्रेट हो गया आपका नाम देखो एसिडिक एंड फ्यूमिंग, और इसको फ्यूमिंग लिक्विड भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड एज अ कोरोसिव, ये देख लीजिए आप दिस द कोरोसिव रिएजेंट दैट इज
used to clean glassware, कांच के बर्तनों को साफ करने के लिए, and it is used in gold mines. गोल्ड माइंस में भी आपका नाम सुना, इट इज, और अभी अभी आपको बता, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर. इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है बिकॉज इट हैज एन एबिलिटी, इसकी एबिलिटी होती है टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड प्लेटिनियम बट इट इज या इट कैन नॉट बी, इट कांट डिसॉल्व ऑल मेटल्स. सही हो, सिंपल सा. इसका मतलब क्या हुआ? अम्ल राज हुआ है, अम्ल राज, एक्वा रेसिया, अम्ल राज, अम्लों का राजाओं राजा हो गया, एसिड्स का राजा. इसी एक्वा रेसा इज इक्वल टू थ्री पार्ट ऑफ एसिड प्लस वन पार्ट ऑफ एच एन ओ. सुनार, आपकी क्या होता बेसिकली एकदम से नहीं, जैसे गोल्ड आप देख रहे होंगे, दिख रहा है इसमें, तो क्या है इतनी जल्दी आपका इसके अंदर से इसके बाहर आपका नाम डस्ट की लेयर वगैरह नहीं होती है. लेकिन गले में रहती तो पसीना वगैरह ये सब आता, हीट है, सब कुछ है आपका ना, तो 10-12 साल में आपका जो हल्का सा फेड हो जाता है. आप किसी मैरी शुगर में, आजकल क्या हो गया ना, दिखावा हो गया. उन्हें कहा इतनी मोटी, आजकल लोगों को देखा होगा आपने, इतनी मोटी चेन, कुत्ते की तरह चेन बांधने की होती, और सोने की है आपका, ठीक है. पंप एंड सो कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा इधर, राजस्थानी को आप देखोगे राजस्थानी ने दबा के रखा, हमारे हमारे पहाड़ियों में तो ठंड हो रही होगी दिसंबर की, करके कट स्लिप का ब्लाउज, क्योंकि ओ बाप रे गोल्ड नहीं देखेंगे आप शादी ब्याह में, तो कैसे पता लगेगा इसके बाद इतना है करके. क्या होता है, तो किसी भी फंक्शन में जाने से पहले आपने कहा कि यार इसमें चमक नहीं आ रही, लस्टर नहीं है. मेटल्स की सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी 12 जो आपने पढ़ी थी उसमें कि मेटल्स आर लस्टरियस, शाइनी, चमक. तो आप सुनार के पास जाते हैं, तो सुनार को कहते हैं भाई सर ये चमक नहीं आ रही, वो कहता ठीक है शाम को आ जाना. ली आपकी यही भाई साहब होते हैं इसमें, आपकी सोने की चेन ली, जाएंगे तो ब्रूस मारते हुए रगड़ते हुए भी देखूंगा. तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं. जैसे ये मैंने निकाला, रोज तो नहीं लेकिन महीने महीने में, जैसे इनके कॉर्नर्स पे डस्ट आपका हो जाता है, तो जो कॉलगेट वाला होता है जो ब्रश होता है वो खराब हो जाता है, और जो आपने यूज एंड थ्रो वाला जो थ्रो कर दिया आपने कोने में रख दिया, उस ब्रश में आप हल्के से क्या है कॉलगेट लगाइए, साफ कर दीजिए, पैसा भी बच जाए. तो कई चीजें ना हमने हैंडक ले रखा ना. अब आप सोचेंगे नहीं जी महीने में एक दिन नहाएंगे तो क्या होगा, तो महीने में एक दिन नहाने का तो आपको खुद पता ही लग जाएगा क्या होगा. ऐसे हर चीजें आपकी, जैसे आप टीथ है या टंग है आप क्लीन कर दें, ऐसे आपके जो ऑर्नामेंट्स होने चाहिए वो भी आपका ना हो, महीने में एक बार जो है वो क्लीन हो जाना चाहिए. तो मैंने तो खुद ही मैंने 3 पहने हैं, तो मैं करता हूँ उसको, तो आपका ना तो गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे तो भाई साहब आपको जो है
पूरा चूना लगा के तबीयत खुश कर देंगे आपका। एजेट के लिए दैट वॉज द एक्वेरियम। इसके बाद तो अब आपका नाम, इसमें लास्ट जो आपका टॉपिक बच जाता है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल शॉक्स। क्या होता है आपका नाम? तो नाम दिस इज इसमें तो नाम दिस ना रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस एनी मेटल लेस देन आपका देखो ना दिस ना इन रिएक्टिविटी सीरीज आपका ना देखो दिस ना या लेस देन इन या लेस देन इटसेल्फ भी आप लिख सकते हैं। अगर लेस देन इटसेल्फ आपने लिख दिया अपना फ्रॉम द ऑक्साइड्स, इसके ऑक्साइड से आपका नाम देखो दे से तो या आपका नाम क्लोराइड से आपका हो सकता या और आपका ये सल्फाइड से आपका हो सकता SULPH सल्फाइड इन सॉल्यूशन आपका नाम और इन दियर एक्वस सॉल्यूशन आपका नाम देखो दे या एक्वस स्टेट भी आप लिख सकते हैं आपका नाम देखो दे से। तो ना तो मेटल इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ये हुआ आपका ना देखो दिस तो मेटल कोई ए आपका ना देखो तो क्या बोल रहा है इसका क्या है रिएक्ट्स ऑन डिस्प्लेस मेटल आपका शॉर्ट तो मेटल विद आपका अदर मेटल सॉर्ट्स आपका देखो दिस ये कोई मेटल सॉर्ट्स है आपका ना देखो ए ये बी हो गया आपका ना देखो दिस इससे क्या बन जाएगा आपका ना देखो दे शॉर्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा आप शॉर्ट सॉल्यूशन ऑफ ए आपका नाम देगा और प्लस मेटल भी आपका नाम क्या हो जाएगा डिस्प्लेस बन जाएगा आपका नाम देगा बस। इसका मतलब कोई भी एग्जांपल दे दीजिए आप यही सब कहते हैं एफ ई और प्लस ये देखो ये कॉपर दिस मेटल ऑक्साइड हो या मेटल क्लोराइड हो या मेटल सल्फाइड हो या सल्फेट हो आपका नाम देगा बस सल्फेट दिस इज द मेटल सल्फेट कॉपर सल्फेट हो गया तो ना मेटल ये ए है आपका देखो ना ये मेटल शॉर्ट आपका मेटल शॉर्ट हो गया आपका देखो ना तो इसका ये बी हो गया तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या कहेगा शॉर्ट सॉल्यूशन एफ ई एस ओ फोर बना देगा और प्लस आपका ना इट विल डिस्प्लेस कॉपर। इसका मतलब आयरन इज मोर देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज इसके हिसाब से इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपका याद करना आपको बहुत जरूरी है। एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का भी आपका नाम। इज इट क्लियर सर? तो ये हो गया आपका नाम।